माए नी मैनू मार ना बोलणियां कर कंजरां दे चावण दे नच नच के जे कित यार मनदा नच नच के यार मनावण दे। नाचना एक इबादत हो जाती है दोस्तों, नाचना एक बंदगी होती है। और आज नृत्य दिवस है, टू द पॉइंट की ओर से मैं आपको नृत्य दिवस की शुभकामनाएं देता हूँ। नाचने पर बहुत सी कहावतें बनी हैं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, लोग उंगलियों पर नचाते हैं। जी हाँ, नाचना कौन नहीं चाहता। नाचते वक्त इंसान हमेशा हमेशा वर्तमान में होता है दोस्तों, और पैरों में झांझर डालकर जब हम इबादत के लिए नाचते हैं तो इबादत मोहब्बत इबादत बन जाती है। जी हाँ, हम अपने गुरुओं का प्यार पाते हैं, परमात्मा की भक्ति पाते हैं। एक तारे पे नाचती हुई मीरा किस तरह से भगवान कृष्ण को पा गई। नाचता हुआ इंसान सबको प्यारा लगता है, सबका मन मोह लेता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो मजबूरी में नहीं नाच पाते, वो महसूस करते हैं कि उनको नाचना नहीं आता। लेकिन आजकल के इस वर्तमान दौर के अंदर बहुत से ऐसे लोग हैं जो विवाह शादियों के लिए, मांगलिक कार्यों के लिए नाचने की ट्रेनिंग भी लेते हैं। जी हाँ, लोक नाच, जैसा भी आपको नाचना आता है जरूर नाचिए। नाचने से इंसान वर्तमान में होता है, नाचना बहुत ज़रूरी है। नाचना एक एक्सरसाइज भी है, नाचना एक भक्ति भी है, नाचना मन की खुशी भी है। एक बार नाच कर देखिए, किसी भी संगीत पर झूम कर नाचिए। ओशो जी कहते हैं कि नाचते हुए इंसान ही हमेशा हमेशा परमात्मा को पा जाते हैं, क्योंकि नाचने से सभी नाड़ियों में कंपन पैदा होती है। तो आइए नाचते हैं, गाते हैं, मुस्कराते हैं, और नाचते गाते मुस्कराते इस ज़िंदगी को जिंदाबाद बनाते हैं दोस्तों। कम से कम 5 मिनट किसी भी संगीत पर जरूर नाचें, अगर पूरा परिवार नाचे तो बा कमाल हो जाएगा। तो आओ शुरुआत करें, आगाज़ करें और मुस्कुरा कर कहें जिंदगी जिंदाबाद। आईना सी होती है जिंदगी, तू भी मुस्कुरा तो वो भी मुस्कुरा देगी। हुनर सब में होता है, तो चलो फिर करते हैं हुनर की बात। टू दी पॉइंट, जिंदगी जिंदाबाद।